तो प्यारे बच्चों, मेरा अज का टॉपिक जिहड़ा है, देखो पहला पहला ये देखो कल की कीता सी। कल आपां लीनियर मैग्नीफिकेशन ते कंसंट्रेट किया, क्यों भाई कीता कि नहीं कीता? इस तो अलावा आपां पावर ऑफ लेंस की गल की तुहाडे नाल, जिहड़ी कल पावर ऑफ लेंस की उहदा दूसरा नाम ऑप्टिकल पावर भी आ। जे तुहानू आ जावे ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस, तां तुसीं पावर ऑफ लेंस की गल ही करनी। ऑप्टिकल पावर ते पावर हुंदी इक्को गल आ। ओके, ख्याल कर लियो। आपां इह थोड़ी देखणा भी लेंस तकड़ा किन्ना गा। लेंस तकड़े का मतलब आप तोड़ के थोड़ी देखना उन्होंने, भी उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, उसकी ऑप्टिकल पावर है, भी लाइट को कितना नेड़े करता, वो पावर ऑप्टिकल पावर है उसकी। ध्यान रखियो, काम की गलते आओ। आज का टॉपिक साडा, आज का टॉपिक इक्विवेलेंट लेंस या कंबीनेशन ऑफ लेंसेस। कंबीनेशन ऑफ लेंसेस, लेंसेस का कंबीनेशन, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक। लेंसेज का कंबीनेशन ए खास तौर पर नमेरिकल जो है वो पेपर च पूछ लिया जाता, सौखा बहुत आ। ध्यान रखियो, सौखा बहुत आ। लेंस का कंबीनेशन देखो, तुम्हें मैं कंबीनेशन किन्ने करवाए याद है तुम्हारे? पहली पहली यूनिट आई, सब तो पहला सैल्स का कंबीनेशन, केड़ा कंबीनेशन? सैल्स का कंबीनेशन। फिर उस तो बाद आपां कीता जिहड़ा वह कंबीनेशन किया, कपैसिटर्स का कंबीनेशन किया कि नहीं किया, दसो क्यों भाई? सही है, कपैसिटर का सीरीज, कपैसिटर का पैरेलल कंबीनेशन। फिर आप सैकंड करंट वाले चैप्टर च आ गए, उत्थे रेजिस्टेंस का कंबीनेशन। आप कंबीनेशन बड़े पढ़े है ना, तो हुण जिहड़े कंबीनेशन आप करना है वह लेंसेज का कंबीनेशन। और ऑलमोस्ट सारिया के रिजल्ट एको जे लगभग आ रहे पिछे, तो की पता यदा रिजल्ट भी उदा ही कुछ आ जाए है ना। एक्चुअली च करना की आ, जिदा दो रजिस्टेंस है, देखो ध्यान सुन लो गल, एक रजिस्टेंस तो दूजी रजिस्टेंस, आदि आर वन से आदि आर टू। मैं इन्होंने दोनों की जगह से एक लाइनी है, मैं इन्होंने दोनों की थान से एक लाइनी है, तो मैं कि रजिस्टेंस लाऊंगा? मैं रजिस्टेंस लाऊंगा सी आर वन प्लस आर टू। किसी को कुछ शक है? सिंपल गल, आर वन से आर टू दो रजिस्टेंसेस से, उन्होंने दोनों की थान से मैं एक लगाती और नाम रख्या आर वन प्लस आर टू। की नाम रख्या? आर वन प्लस आर टू, यानी कि रजिस्टेंस एड हो। हुण जे दो लेंस हो, दो लेंस आपस च जोड़ के लगा दा, तो उन्होंने थां ते एक लेंस रखना हो, बोलते इक्विवेलेंट लेंस। जिदा इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आ, उदा ही होगा इक्विवेलेंट लेंस। और उस इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ जे असी फाइंड करनी हो कितनी आऊगी, दिस इज द क्वेश्चन। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? मेरे को दो लेंस आ, एक लेंस आ हो गया, दूजा मान लो दोनों कॉन्वैक्स आ, ठीक है, यदि फोकल लेंथ है एफ वन, यदि फोकल लेंथ है एफ टू। और मैं की कीता, मैं की कीता, मैं इन्हें दोनों कट्ठे करता और मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मतलब कि मैं इन्हें दोनों की थान पर एक लेंस यूज करना चाहना। जिदा किया मैं इन्हें दोनों का जुगाड़ एक एक लेंस से करना, इन्हों दोनों एक लेंस से कट्ठे करना। एक लेंस से ता कट्ठे हो गए जे इन्हों इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जी, ठीक है, वो वैल्यू मेरे को कितने हो, मतलब इन्हों दोनों ने जिथे एक ऑब्जेक्ट इतने पाया, यदि इमेज इतने बन गई, दोनों ने रल के इतने बनाई, मान लो ऑब्जेक्ट की इमेज इतने बनाई। जे सिंगल लेंस एक लावा, वह भी इस ऑब्जेक्ट की इतने इमेज बना दे, तो मैं बोलूंगा भी वो इक्विवेलेंट लेंस आ। और इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ एफ वन एंड एफ टू असी फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ एफ वन एंड एफ टू असी फाइंड करनी, दिस इज द क्वेश्चन। गल समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ जी, गल समझ आ गई कि नहीं आई? आ जाओ, कंबीनेशन ऑफ लेंस की है, ये आप कंबीनेशन करना, ठीक है। पहले असं इक्विवेलेंट लेंस की जो डेफिनेशन देनी चाहते हैं तो असं दे भी सकते, कोई एडा मैटर है नहीं, बड़ी आसानी असं इक्विवेलेंट लेंस की जी डेफिनेशन आ वो लिख सकते हैं। ओके, मान लो भी मेरे को दो लेंस आ, ध्यान सुनो गल, आ एक हो गया, बाले मोटे ना बनाए, पतले पतले बना दिया, जरूरी नहीं दोनों एक बनाने, दोनों के साइज दोनों के जरूरी नहीं, बस एक सेंटर मिला दो एक थान से, बड़े छोटे हो सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकती हैं। डायग्राम बना लो, जल्दी करो, जल्दी कीजिए प्यारे बच्चे, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। आप लेंस नंबर L1, सेकंड L2, जरूरी नहीं दोनों कन्वैक्स हो,
इन्हां चों एक कनकेव भी हो सकता, पर मैं एक आइडिया दूंगा क्योंकि कन्वैक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होंगी है, तो आप कहीं कनकेव लावे वो नैगेटिव हो जूगी, वो साढ़े रिजल्ट में फर्क कोई नहीं पैंदा, साडा रिजल्ट उदां दा ही आऊगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव की थां ते नैगेटिव यूज कर लें। ठीक है, मैं इन दोनों की फोकल लेंथ लिखी, फस्ट वाली की एफ वन ते सैकंड वाली की एफ, डायग्राम दे विच नाल ही लिखती, दो दी थां ते तीन भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं दो ही लगाए एक बार, आ सेंट्रल एक्सल एक्सिस मैं बनाता, दूसरे लेंस का भी बनाता, डायग्राम फ्री हैंड बनाने सारिया ने, इत्थे ऑब्जेक्ट पिया, ऑब्जेक्ट तो लाइट गई, ऑब्जेक्ट तो लाइट गई, लो भाई थोड़ी जी उपर लै जाना, हुण पहले लेंस का काम है कन्वर्ज करना, लाइट नू कट्ठे करना, लाइट नू जे कट्ठे करना इन्हें तो इन्हें लाइट मोड़ती बई, जे दूजा लेंस ना हुंदा तां लाइट कित्थे जांदी बई, जे दूसरा लेंस ना हुंदा तां लाइट इत्थे जांदी, पता लग रहा कि नहीं लग रहा, जे दूसरा लेंस ना हुंदा तां लाइट इत्थे पहुंचती इस जगह पे, इमेज बनती आई डैश या आई वन, पहली इमेज फर्स्ट वन। ठीक है, दूसरे लेंस ने की किया लाइट नू मोड़ के इत्थे ले आंदा, वो आपां हजे नहीं लिया, हजे पहले लेंस की गल कर रहे हैं, पहले लेंस से लाइट आई उन्हें इत्थे बनाती एक इमेज, उही काम जिहड़ा आपां लेंस मेकर फॉर्मूले च कीता सी, भी सैक आ वाली इमेज ने दूजे वास्ते ऑब्जेक्ट का काम किया। ओके, तो दो इक्वेशन आ जूगियां, दोनों नू सॉल्व कर लो आंसर आ, तो मैं लेंस की इक्वेशन लिखनी आ, डायग्राम सब ने बना लिया होगा, लिखना शुरू करांगे, लिख दो फोर लेंस एल वन, मैं शॉर्ट च लिखवाऊंगा, बड़ा लेंथ ही नहीं लिखाऊंगा, एल वन लेंस दे वास्ते जिदी के फोकल लेंथ मैं एफ वन मनी हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी यू, तो इमेज डिस्टेंस होगी वी, बी डैश आई डैश है ना, इमेज डिस्टेंस बी डैश लगा दो, लिखो वन ओवर एफ वन, एक काम करते इतने इतने लिखते माइनस वन ओवर यू प्लस वन ओवर बी डैश इज इक्वल टू वन ओवर एफ वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ये साड़ी इक्वेशन नंबर एक का, पता भी लग रहा कि नहीं लग रहा, मैं जिहड़ी लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला तुहानू लिखवाया मैं उन्हूं डायरेक्ट इत्थे यूज कर लिया, नवा काम कोई नहीं किया, कंटिन्यू करांगे, जिहड़ी इमेज आई डैश आ इह ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करदी, लिख दिओ द इमेज आई डैश बिहेव्स एज, उही चीज है जिहड़ी कॉपी मारनी, बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट फोर लेंस एल टू, एल टू लेंस वास्ते ऑब्जेक्ट का काम करती है, और एदी फाइनल इमेज जिहड़ी आ ओ एथे किते विचाले जिथे मर्जी बना दिओ, दिस इज द फाइनल इमेज आई जिहदी के डिस्टेंस हैगी आ वी। मैं लेंसेज नूं बहुत पतले मानदा, जे लेंस पतले तो इन्हां दे विचकार दी आ डिस्टेंस जिहड़ी है नैगलिजिबल आ, इन्हां दोनों दे विचकार दी लेंथ नैगलिजिबल आ। ठीक है, मतलब आप मन के चलते लेंसेज आर वेरी थिन, वो आप पुरानी गल ही अपनी, ताजो लेंस एल टू वास्ते इन्हें ऑब्जेक्ट का काम किया, मतलब आ वाली साढ़े को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, आ वाली साढ़े को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। ओके, और इमेज साढ़े को बनी इत्थे। ओके, मैं फार्मूला लिखना, मैं वैल्यू नहीं पुट करनी, ये गल मैं पहले ही बोल देना थोड़ा, मैं फार्मूला लिखना ना कि मैं वैल्यू पुट करनी। बच्चों के दिमाग च एक गल आउंदी आ, उह कहिंदे भी सर ने फार्मूला लिखाया माइनस वन ओवर यू प्लस वन ओवर बी इज इक्वल टू वन ओवर एफ, हुण ऑब्जेक्ट तां पिया इधर, जे ऑब्जेक्ट इधर पिया तां आ वी डैश पॉजिटिव हो गया। ओके, वी डैश पॉजिटिव हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आ वाली, यू दी वैल्यू ध्यान नाल सुन लिओ गल नूं, मैं फार्मूला लिखना, ठीक है, इत्थे इह नहीं मैटर करदा भी पॉजिटिव आ कि नैगेटिव आ, बिकॉज फॉर्मूले दे विच आपां सिंपल पहला ही साइन कन्वेंशन कंसिडर किए हुए हैं, बट जो वैल्यूज पुट करनी आ उदो आपां नवें साइन कन्वेंशन रखांगे, तो मेरे को फार्मूला जिहड़ा बनूगा नाओ लिख दो, इफ फाइनल इमेज
आई इज फॉर्म्ड बाय एल टू, जे एल टू ने फाइनल इमेज आई बनाती एट डिस्टेंस वी, एट डिस्टेंस वी, वी डिस्टेंस से फाइनल इमेज जो बनाती तो साढ़े को लेंस इक्वेशन देन फॉर एल टू। तो बेटा एल टू लेंस के वास्ते मैं की यूज करा, एल टू लेंस वास्ते मैं उही इक्वेशन माइनस वन ओवर वी डैश प्लस वन ओवर वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एदकी बार वी डैश है, इमेज डिस्टेंस है एदकी बार वी है, तो माइनस वन ओवर यू, यू की थाते वी डैश प्लस वन ओवर वी इज इक्वल टू वन ओवर एफ टू। बेटे जिन्हों समझ नहीं आई वह पूछ लो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, किसी भी बच्चे ना समझ आई हो बच्चा अपना क्वेश्चन कर सकता, किसी भी बच्चे ना समझ आई हो बेटा बच्चा अपना क्वेश्चन कर सकता। बोलो बी बच्चे जल्दी बोलो, आ जाओ एड कर दो दोनों इक्वेशन वन, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन ते टू नू एड करता, जो एड करता तो मेरे को आ गया माइनस वन ओवर यू प्लस वन ओवर वी डैश, जिहड़ी इमेज बनी नहीं अपने आप ही कट्टी जाऊगी लेंस मेकर च भी कट्टी गई सी, माइनस वन ओवर वी डैश प्लस वन ओवर वी इज इक्वल टू वन ओवर एफ वन प्लस वन ओवर एफ टू। राइट साइड राइट दे विच ऐड कर दो, लेफ्ट साइड लेफ्ट दे विच ऐड कर दो, और ध्यान नाल देखोगे तो वन ओवर वी डैश तुहाडा कैंसल हो गया, और मेरे को जिहड़ी टर्म रह गई वह रह गई माइनस वन ओवर यू प्लस वन ओवर वी इज इक्वल टू वन ओवर एफ वन प्लस वन ओवर एफ टू। हुण मैं इन्हां दोनों की जगह ते इक्वेशन नंबर थ्री मैं की कीता, मैं इन्हां दोनों लेंसेज का एक लेंस लगाता, जो एक लेंस होगा तो उहदी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कोई होगी, मैं उहदा नाम रख देना एफ इक्विवेलेंट, एफ ई क्यू, एफ दे पैर च आपां ई क्यू पा देने, एफ इक्विवेलेंट। जे एफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होवे तां उह सिंगल लेंस जिहड़ा इन्हां दोनों की जगह ते लाया ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज सेम जगह पर बनावे, एदी इमेज इत्थे ही बनावे आसे पासे ना जावे, तो उन्होंने इक्विवेलेंट लेंस बोलूंगा भी इन्हों का इक्विवेलेंट आ भाई, इन्ह दोनों ने रल के उत्थे ही इमेज बनाई जिथे कला बनाई जाता, यह मतलब कला इन्होंने दोनों का इक्विवेलेंट लेंस। गल समझ आ रही कि नहीं आ रही, गल समझ आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है सर। नमन तेन समझ आ रही है? ओके ठीक है आ जाओ। नाउ सपोज इथे लिखो, सपोज एफ ई क्यू इज इक्विवेलेंट, एफ ई क्यू इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कंबीनेशन, कंबीनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, मतलब कहने का भी इन्हों दोनों की थान से जो मैं एक लेंस ला दा तो यह फोकल लेंथ है सिंगल लेंस की, जो सिंगल लेंस की फोकल लेंथ एफ ई क्यू आ तो मैं की कीता तो देयर फोर यदा मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगी, इमेज डिस्टेंस वी होगी, अब चाले उड़ गया तो फोकल लेंथ एफ ई क्यू होगी, तो मेरे को आ गया माइनस वन ओवर यू प्लस वन ओवर वी इक्विवेलेंट लेंस वास्ते इज इक्वल टू वन ओवर एफ ई क्यू एंड इट इज इक्वेशन नंबर फोर। औखा कोई दसो बी इस किसी कोई दिक्कत हो गया? क्लीयर? तीन ते चार नू कंपेयर कर दो रिजल्ट आ गया तुहाडा, तीन ते चार नू कंपेयर कर दो रिजल्ट आ गया तुहाडा, कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, लेफ्ट साइड जो इक्वल आ तो राइट साइड भी इक्वल होगी, और राइट साइड कितनी है वन ओवर एफ ई क्यू इज इक्वल टू वन ओवर एफ वन प्लस वन ओवर एफ टू। आ चुको ये तो रिजल्ट रजिस्टेंस के पैरल कंबीनेशन वर्गा नहीं लग रहा तुम्हें? क्यों भाई कपैसिटर का सीरीज कंबीनेशन, रजिस्टेंस का पैरल कंबीनेशन, फोकल लेंथ लेंस के पै ठीक है भी सीरीज पैरल कोई नहीं बस लाइन के लगाते यही है, वैसे यही कंबीनेशन है, इन सीरीज कह लो इन पैरल कह लो जो मर्जी कह लो तो मनने पर ठीक है, पर फोक जी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है इसी फॉर्मूले आऊगी वन ओवर एफ ई क्यू इज इक्वल टू वन ओवर एफ वन प्लस वन ओवर एफ टू।
जे लेंसिस की गिनती ज्यादा हो तीजा होर लग जाए तो कर दो वन प्लस एफ थ्री वन अपॉन एफ थ्री प्लस करके चौथा होर ला दो मोहरे प्लस वन ओवर एफ फोर लगा दो। एक गल होर तुहानू पता ही है भी जे ये मोहरे एक कॉनकेव लाता तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नैगेटिव तो माइनस वन ओवर एफ आ जूगा। फिर जे फोकल लेंथ पॉजिटिव आ तो पॉजिटिव पुट करो जे फोकल लेंथ नैगेटिव आ तो नैगेटिव पुट करो आंसर अपने आप ही आऊगा कितने लिखा नहीं होया। सवाल का फार्मूला यही आ मान लो आ दूसरा लेंस कन्वैक्स की थान से कॉनकेव आ कॉनकेव आ तो फोकल लेंथ नैगेटिव आ तो इतने अपने आप ही माइनस का साइन लगा देना कहने की लड़ ना पवे फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करोगे आप ही माइनस आ जाऊगा माइनस आऊगा साडा आंसर आ जाऊगा। कहानी क्लीयर हो रही कि नहीं हो रही? हाँ भाई हाँ जी तो लिख दो एरो ला के फोर कंबीनेशन ऑफ एन लेंसेज फोर कंबीनेशन ऑफ एन लेंसेज। बेटा मैं एन लेंसेज का कंबीनेशन कंसिडर किया और एन लेंसेज का जो कंबीनेशन आ मेरा रिजल्ट की आया एन लेंसेज के कंबीनेशन च मेरा रिजल्ट की आया मेरा रिजल्ट आया वन ओवर एफ ई क्यू इज इक्वल टू वन ओवर एफ वन प्लस वन ओवर एफ टू प्लस वन ओवर एफ थ्री प्लस डैश डैश करके प्लस वन ओवर एफ एन कर दो तो रिजल्ट आ गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को सबनों समझ आ गया कि नहीं आया वो पुत्रों पता लग गया? हाँ जी सर। बड़ा ही आसान बहुत आसान कंटिन्यू कर एक कंबीनेशन सी जे प्रूफ आ जाए तो करना एप्लीकेशन ज्यादा आती ध्यान रखियो थोड़ा जा प्रूफ कुछ भी नहीं बड़ा ही सौखा। ठीक है एक कहदी लेंस की इक्वेशन लिखती है कहदी लिखती है जे ध्यान रखे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जी वो बी डैश है बी डैश वाला फैक्टर कैंसल हो गया जो एड किया बचा हुआ समान है साडा जिहड़ा। ठीक है वन ओवर एफ इक्वलेंट के बराबर हल है आ गल होर उत्थे दस ए खास गल सुनो खास बात क्या है इत सा रिजल्ट आया जे मैं ऐसी कंबीनेशन की पावर लिखनी हो फिर नवी लाइन तो लिखो लिखो पावर ऑफ कंबीनेशन मैं ऐसे रिजल्ट यूज करूंगा कंबीनेशन की पावर फाइंड करने वास्ते। पावर का फार्मूला कल ही करवाया ताजा ताजा की हुंदा पावर इज इक्वल टू जल्दी बोलो पावर आवाज नहीं आ रही पावर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ हाँ वन ओवर एफ वन ओवर एफ इक्वलेंट की आ गई पी इक्वलेंट वन ओवर एफ वन पहले लेंस की पावर वन ओवर एफ टू दूजे लेंस की पावर वन ओवर एफ थ्री तीसरे लेंस की पावर आ चको इक्वलेंट पावर फाइंड करनी हो तो पावर जोड़ दो सारे दियाँ जे किसी की पावर नैगेटिव आ तो नैगेटिव वैल्यू आ जूगी जे पॉजिटिव आ तो पॉजिटिव वैल्यू आ जूगी उस हिसाब से सबट्रैक्शन हो जूगा फिर कि वही गल बड़ा इंपॉर्टेंट आ ध्यान रखियो गल समझ आ रही कि नहीं आ रही चला अगे इस तरीके एक होर चीज़ आ प्रूफ भी की जा सकती कोई वड्डी गल नहीं प्रूफ भी की जा सकती है मैगनीफिकेशन लीनियर मैगनीफिकेशन पढ़ाया तुहानू उही है लीनियर मैगनीफिकेशन ऑफ द कंबीनेशन कंबीनेशन का लीनियर मैगनीफिकेशन ध्यान सुन लो मैगनीफिकेशन मैगनीफिकेशन की है सौखा बहुत आ याद रखियो पावर एड होंगी है फोकल लेंथ रेसीप्रोकल होकर एड होंगी है पर मैगनीफिकेशन जिहड़ा है वह मल्टीप्लाई होंगे मैगनीफिकेशन एम इक्वलेंट इज इक्वल टू एम वन इंटू एम थ्री इंटू एम फोर इन मल्टीप्लाई करना यानी कि जो दो लेंस लगे कंबीनेशन दे विच एक दा मैगनीफिकेशन टू आ ते दूजे दा फोर आ ते टू इंटू फोर कर दिओ मैगनीफिकेशन एट हो जूगा पता लग रहा कि नहीं लग रहा। ठीक है बेटा ये साडे कोल लेंसेस दा कंबीनेशन सी मैनूं पूरी उम्मीद है तुहानूं समझ आ गया जिन्हों समझ नहीं आया वो सवाल कर लो आप कम की गलते हो कंसैप्चुअल क्वेश्चन जरूर पढ़िया करो पेपर हरेक
ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਦੇਖੋ 1-1 ਮਾਰਕ ਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ, 20-15 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ 'ਚ ਪਏ ਆ। 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 5-5 ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਛੋਟੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਲਮੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਲਿਖਿਓ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਸ, ਲੈਂਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੈਂਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ, ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਸ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸ ਆ ਔਰ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਐਫ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਐਫ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਲੇਨੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ, ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ। ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਸਾਡੀ 1/F ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। 1/F ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੈਰਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੈਰਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੀ 2F ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ 2F ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2F ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ F ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਆਊਗਾ 1F ਔਰ 1F ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ 2F ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ 2F ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਾਵਰ P/2 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੌਮਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ P ਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ P/2 ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ P/2, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪਾਵਰ P/2। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਲਿਓ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਲੈਂਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਵਿਚਾਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ, ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਨੀਚੇ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਪੀਸ ਕਰਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਐਫ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ P ਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਐਫ ਤੇ ਪਾਵਰ P ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ F ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ P ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ F ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ P। ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ 'ਚ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਪਾਵਰ F/2। F/2 ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਸਾਰੇ ਲੈਂਸ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਅੱਧੇ ਲੈਂਸ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਅੱਧੇ ਲੈਂਸ ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਦੋ ਵਿੰਡੋ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਦੋ ਵਿੰਡੋ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ,
हुण लाइट एक विंडो चो अंदर आ रही है, लाइट अंदर ही घट आऊगी ज्यादा आऊगी, जल्दी बोलो घट आऊगी। बड़ी सिंपल जी गल, बड़ी सिंपल जी गल, लाइट घट आऊगी, लाइट अंदर ज्यादा नहीं आऊगी। क्यों घट आऊगी? बिकॉज विंडो एक छड़ी है, ये भी विंडो अद्धी करती, मैं जो विंडो अद्धी करती तो लाइट की इंटेंसिटी घटूगी। ये गल लिख लियो, लिख दो नाउ द इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस, इमेज की इंटेंसिटी घट जाती है, इमेज की ब्राइटनेस घट जाती है, इमेज की ब्राइटनेस घट जाती है। समझ आ रही गल? इमेज थोड़ी जी नेरे जी बनती है, जे लाइट पूरी आऊगी फिर इमेज पूरी चानन वाली फुल चानन वाली वधिया बनूगी। गल कर, फॉलो कर रहे सारे? हाँ भाई, गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? आज कंटिन्यू करिए। इस तो बाद होर काम की गल, मैं एक नमेरिकल करवाना, बड़ा इंपॉर्टेंट नमेरिकल आ, क्वेश्चन आता पेपर च, कंसैप्चुअल है, लेंस मेकर फार्मूले का सवाल आ, लेंस मेकर फार्मूले का, लेंस मेकर फार्मूले का क्वेश्चन आ, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ। क्वेश्चन की आता, क्वेश्चन की आता, ध्यान सुन लो गल, क्वेश्चन ये आता कि जे मेरे को कन्वैक्स लेंस आ और मैं उन्हूं पानी दे विच डुबो दा तो दी फोकल लेंथ च कितना चेंज होंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जे किसी लेंस नूं अपने तो उहदे खुद तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स वाले मीडियम दे विच डुबो दी है, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडैक्स होंगी 1.5 होंगी जी ग्लास की होंगी 1.5 मान के चलते आप, मन लो 1.7 वाले लिक्विड च डुबोता, लिक्विड बड़ा गाढ़ा है, बड़ा ऑप्टिकल डेंसर है, ठीक है, ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है, उहदे विच मैं डुबोता उन्हों, तो सवाल आता भी उहदी नेचर दे विच की चेंज आऊगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन वास्ते मैं तुहानूं एक शॉर्टकट बना देना, बनाउणा बई, उस शॉर्टकट दे नाल बड़े सारे सवाल होणगे तुहाडे, उस शॉर्टकट के नाल बहुत क्वेश्चन होणगे, आपां करांगे भी, ठीक है। तो एक शॉर्टकट बनाउने आ, नोट लिखियो, एक नोट लिखो बई, मेरे कोले कोई लेंस आ, ठीक है, इन एयर हवा दे विच, हवा दे विच लेंस मेकर फार्मूला लाया मैं, 1/f एयर इज इक्वल टू म्यू ग्लास, लेंस मेरे कोले हवा च आ, आ लेंस आ, ठीक है, थोड़ा थले लिख दूंगा कोई दिक्कत वाली गल नहीं, आ लेंस आ मेरे कोले, ओके, एक ग्लास का बनया होया, एक कच का बनया होया ग्लास का, और बाहर हवा आ, क्लीयर, तो इन एयर हवा दे विच मेरे कोले दी फोकल लेंथ जिहड़ी होगी एफ एयर, 1/f एयर इज इक्वल टू म्यू ग्लास, एदी एदे रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू वन होंगी, याद है ना, आ दो नंबर मीडियम आ, आ एक नंबर मीडियम आ, तो दो दी एक दे रिस्पेक्ट च म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए हवा आ, ए हवा आ, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, -1, फार्मूला मेरा लेंस मेकर मेरे याद आ, 1/r1 -1/r2, तुहाडे भी लेंस मेकर फार्मूला तोते वांगू रटिया होना चाहिए। पहली रेडियस ऑफ करवेचर r1, दूजी रेडियस ऑफ करवेचर r2, पहले सरफेस की रेडियस ऑफ करवेचर r1, दूजे सरफेस की रेडियस ऑफ करवेचर r2 आ। जे इन्हां दी वैल्यू दित्ती हुई तो तुसीं एक दी वैल्यू जे पॉजिटिव पुट की तो दूजे की नैगेटिव पुट करनी पेगी, मतलब कहने का भी मान लो भी 10 cm आ 10 cm आ, तो बेटा लाइट जे इधरों आई तो एक तो होगी पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के नाल, आ तो पॉजिटिव होगी, पर पोल तो सेंटर ऑफ करवेचर तो इधर नू गए तो आ नैगेटिव होगी, इहदा मतलब इन्हां दोनों चों एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी नैगेटिव होगी, इसका खास ख्याल रखना, एक आर पॉजिटिव होंगी दूजी नैगेटिव, यह कदे भी आपस कट्टे नहीं जाते, भावें इक्वलेंट फोकल सेम रेडियस ऑफ करवेचर भी होना, कट्टना कदे नहीं, वैल्यू साइन कन्वेंशन के नाल पुट करनी है। गल क्लीयर होगी? आ जाओ, फिर की होया, मैंने इक्वेशन नंबर 1 पाती,
Now, the lens is immersed in liquid. Liquid de vich immerse karta, yani ke a lens, a same lens, ohi wala. ठीक है बाहर की आ गया ये हवा नहीं आई बाहर ये लिक्विड आ गया अंदर ग्लास ही है अंदर ग्लास ही है बाहर लिक्विड आ अंदर कच बाहर लिक्विड हुण बदल गई चीज क्योंकि पहला म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर सी हुण म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिखना पड़ेगा मैनू मेरा फार्मूला की आया नाओ हुण मेरा फार्मूला आया वन ओवर एफ एल इत्थे लिख देना नीचे लिक्विड दे विच फोकल लेंथ एदी ओ आऊगी मेरे कोले किन्नी म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड जेदे विच पाता ओदे रिस्पेक्ट च रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एदी माइनस वन वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू एंड इट इज इक्वेशन नंबर टू ये मेरी दो नंबर इक्वेशन है जिन्हों हजे तक गल समझ नहीं आई नोट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखवा रहा तो बड़ा काम आऊगा तां लिखवा रहा तुहानू इह नोट पेपर च करन दी लोड़ नहीं इहदे नाल तुहाडे न्यूमेरिकल शॉर्टकट हो जाएंगे ठीक है जे तुसीं फार्मूला याद रख लो जे नहीं याद रखना फिर कंसैप्ट ला दिओ सेम डिवाइड करांगे इहनूं आपां इक्वेशन वन डिवाइड बाय टू इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू तां एक उपर लिख ली वन अपॉन एफ ए आ डिवाइड बाय वन अपॉन एफ लिक्विड इज इक्वल टू म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस वन इंटू वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू डिवाइड बाय जो है मैं उदा उदा ही लिखता म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस वन इंटू वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट ध्यान रखियो आ मेरे को दो जी वैल्यूज है कटिया गई वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू उपर थले कैंसल एफ लिक्विड उपर चला गया मेरा रिजल्ट पता की आया मेरा रिजल्ट आया एफ एल लिक्विड च फोकल लेंथ लिक्विड दे विच फोकल लेंथ डिवाइड दे बाय एयर दे विच फोकल लेंथ हवा च लेंस की फोकल लेंथ लिक्विड की फोकल लेंथ सॉरी लेंस की फोकल लेंथ इन लिक्विड डिवाइड बाय लेंस की फोकल लेंथ इन एयर ओके इन्हों का रेशियो जिहड़ा दैट इज इक्वल टू म्यू ग्लास with respect to air minus 1 divided by mu glass with respect to liquid minus 1 aa tuhanda ratio jehda aa ede naal tuhade pata nahi kinne ek sawal ek line de vich ho jange jehde inna kam karan ton baad hone bade sare sawal tuhade ek line ch solve honge ethe important cheez aa jehdi here jehda mu glass with respect to air aa ede tuhanu hamesha given hi hovega par jehda mu glass with respect to liquid hai na ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥੱਲੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਲਿਖਦੇ ਯਾਦ ਆ ਮਿਊ ਟੂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਨ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਮਿਊ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਮਿਊ ਵਨ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਈਦਾ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਗਲਾਸ ਦੀ 1.5 ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ ਮਿਊ ਗਲਾਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ डिवाइड बाय म्यू लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इस फार्मूले तो पहला वैल्यू फाइंड करो फिर इत्थे पुट करो फिर तुहाडा आंसर आऊगा आ वाली वैल्यू का खास ख्याल रखियो बाकी कोई दिक्कत नहीं एक वैल्यू का खास ख्याल रखियो बाकी न्यूमेरिकल तुहाडा बड़ा सौखा हो जाऊगा किसी भी बच्चे नूं इस कंसैप्ट दे विच कोई प्रॉब्लम होवे वह बच्चा अपना सवाल कर सकता हाँ भी बोलो इहदी एप्लीकेशन भी करवाऊंगा फिक्र ना करो ठीक है जी एप्लीकेशन भी करवाऊंगा करवा ही दिने करवाउण नूं दसो मंत्र पढ़ने लिखो क्वेश्चन लिखो द फोकल लेंथ ऑफ क्वेश्चन लिखो मेरी मर्जी का सवाल क्वेश्चन नंबर वन मेरी मर्जी का क्वेश्चन लिखो द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस
focal length of a converging lens is 40 centimeter. किसे लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर मेरी मर्जी का क्वेश्चन मेरी मर्जी का सवाल है ओके कहिंदा की है कहिंदा कैलकुलेट इट्स न्यू फोकल लेंथ एदी नवी फोकल लेंथ पता करो व्हेन द लेंस इज इमर्ज्ड When the lens is immersed in water, given होगा तुहानू mu glass with respect to air, कच दी refractive index दिती है तुहानू 3/2, ते mu water with respect to air तुहानू दिता 4/3, ये पक्के ही नहीं हुंदे है, वध घट लिखा होवे कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਕਵਿਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇਊਂਗਾ ਇਹਦਾ ਐਫ ਐਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਫ ਡਬਲਯੂ ਅਪੋਨ ਐਫ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਗਲਾਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ माइनस वन डिवाइड बाय म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस वन एफ डबल्यू मैं पता करना एफ एयर 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव दा कन्वेक्स है ना कन्वर्जिंग लेंस प्लस दा 40 ठीक है फोकल लेंथ जी एफ एयर है पॉजिटिव दी 40 ध्यान रखियो साइन कन्वेंशन तो बिना वैल्यू नहीं पुट करनी इज इक्वल टू कितना म्यू ग्लास With respect to air, mu glass with respect to air में देता 3/2 minus 1 divided by glass with respect to water में नू देता ही नहीं glass with respect to air देता ते glass with respect to water देता नहीं ते water देता water दी refractive index air दी respect आ value ते अन्नाल देखो value देती नहीं मैंने J value मैंने नहीं देती तो मैं की करा एक मिनट बेटा होल्ड करो हाँ भाई देखियो ध्यान दे नाल म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मैं फाइंड करना ऊपर तो मैं म्यू ग्लास लिखूंगा डिवाइड बाय म्यू वाटर लिखूंगा दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू कच दी है 3/2 वाटर दी है 4/3 9/8 ए वैल्यू 9/8 माइनस 1 बड़ा जबरदस्त सवाल है इदां दे सवाल तुहानू पुराने पेपरां च नॉर्मल मिल जाणगे ए क्वेश्चन पुराने पेपरां च आराम नाल मिलूगे और हर साल ही लगभग रिपीट हुंदे आ एफ वाटर अपॉन 40 3/2 माइनस 1 हाफ 9/8 माइनस 8 1/8 पता लग रहा कि नहीं लग रहा वो समझ आ रही है 9 - 8/8 1/8 ये आ गया 8/2 यानी कि 4 तो बेटा वाटर दे विच जिहड़ी फोकल लेंथ आ वो तुहाडी आ जूगी 4f इहनू एफ एयर ही चलन दिंदे आ 40 रख दे नहीं आपां वैल्यू मैं दसदा का तुम हुण वाटर दा तो याद ही हो गया साडे पानी दा तो याद ही हो गया ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ 4 ਟਾਈਮਸ ਏਅਰ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਪਾਵਰ ਵਧੀ ਕੇ ਘਟੀ ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹਵਾ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ 4 ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 40 ਸੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ 4 × 40 160 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵਧੀ ਕੇ ਘਟੀ ਵਧੀ ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਘਟੇਗੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵਧੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਘਟ ਗਈ ਓਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁੱਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਮਵਰਕ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕ
कि ऐसे लेंस नूं वाटर दे विच कीता, डिप वाटर दे विच कीता, मैं क्वेश्चन नूं वाटर दी बजाए किदां दे लिक्विड च करता जिहदी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 1.8 आ, किन्नी आ 1.8, तां कहिंदा जी नवीं फोकल लेंथ दसो की आ। यह साडा सवाल आ, यह तुहाडा होमवर्क भी आ, यह तुसीं घर तों करना। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। कहिंदा द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस इज 40 सेंटीमीटर। 40 दा चेंज करदा 40 रहण ना, बोलो। हाँ भाई, चल 20 कर लो, घटा लो। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स न्यू फोकल लेंथ व्हेन द लेंस इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे मटीरियल दे विच, मैं इनू 1.8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दा मटीरियल आ उहदे विच डिप करता, डुबोता। कहिंदा आ गिवन ही है सानू, कच दी हवा दे रिस्पैक्ट च 3/2 ही हुंदी आ, लिक्विड दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिहड़ी आ उह दित्ती सानू 1.8। ते कहिंदा जी नवीं फोकल लेंथ दसो किन्नी आ। दिस इज योर होमवर्क, ते कल ए मैनू आंसर मिलना चाहीदा। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? ठीक है, इहदे विच इक गल होर लिखो क्वेश्चन च, ऑल्सो एक्सप्लेन द चेंज इन नेचर ऑफ द लेंस। लेंस दी नेचर दे विच जे कोई चेंज होया उहनूं भी एक्सप्लेन करो। ऑल्सो एक्सप्लेन द चेंज इन द नेचर ऑफ लेंस, की पता लेंस दी नेचर च चेंज हो जाए, जे लेंस दी नेचर च चेंज होया तो उहनूं भी एक्सप्लेन करो। दिस इज द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुहाडा होमवर्क आ। एक कल बेटा मैं तुहानूं दुबारा पुछूंगा तो तुहाडा जवाब मैनूं चाहीदा आ। फार्मूला सेम लगना आही वाला, कोई नवा फार्मूला है नहीं, इसे फार्मूले नाल तुहाडा रिजल्ट आऊगा। ठीक है, देखदे करदे कि नहीं करदे। अज दे लई इन्ना ही बहुत आ बेटा। ठीक है सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर डिफेक्ट ऑफ लेंस नहीं कराना, स्फेरिकल एब्रेशन ते क्रोमेटिक एब्रेशन। ओम शांति। स्फेरिकल ते क्रोमेटिक वधिया कराऊंगा मैं। चल नोट कर लेंदे ही, पढ़ जा कराऊंगा। प्रिज्म कर लियो, उस तो बाद कराऊंगा, क्योंकि क्रोमेटिक बाद समझ ज्यादा आऊगा। ठीक है, नोट कर लो सारे। ठीक है, अज इन्ना बहुत आ बेटा, थैंक यू।